सबका स्वागत है आपके अपने चैनल अभी अपडेट पे आ चुके हम सभी के साथ इम्पोर्टेंट वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे माय डियर फ्रेंड, जैसा कि आप जानते हो सीबीएसई बोर्ड क्लास 12th के स्टूडेंट्स का जो एग्जामिनेशन है कॉमर्स स्ट्रीम का, वो है नेक्स्ट आप सभी का अकाउंटेंसी का। अकाउंटेंसी के पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए आज की इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं किस तरीके से आप सबको आंसर्स को प्रेजेंट करना है। जी फ्रेंड, जैसा कि आप देख सकते हो मेरे सामने, आप सभी देख सकते हो स्क्रीन पे कंप्यूटर स्क्रीन जो आप सभी को दिख रही है, इसमें आप सभी को स्टूडेंट्स किस तरीके से आंसर्स प्रेजेंट करते हैं आप सभी को मैं दिखाने वाला हूँ। जैसे कि देख सकते हैं फिर अकाउंटेंसी का पेपर है क्लास 12th के स्टूडेंट्स का, मैं आप सभी को शो कर रहा हूँ। देख सकते हैं किस तरीके से कैंडिडेट अपने आंसर्स को प्रेजेंट कर रहे हैं, तो आप सभी को भी इसी तरीके से देखें। जैसे भी कोई क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में पुट अप किए जाएं, आपको कोई भी क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में सेक्शन आपका बी का हो या फिर सेक्शन सी का हो या फिर सेक्शन डी का हो, आप सभी इस बात को ध्यान रखें। अगर आपने ड्रीम आपका होगा अगर 80 out of 80, तो किस तरीके से ये पॉसिबल हो पाएगा आज की इस वीडियो में। अगर आप एंड तक देखते हो अकाउंटेंसी का पेपर किस तरीके से आपको करके आना है, इसकी सारी जानकारी आज के इस वीडियो में मिलने वाली है। जैसा कि आप सभी के लिए हमारी टीम ने अभी अपडेट ने आप सभी के लिए और सीयूटी की तरफ से आप सभी के लिए बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्रिपरेशन कराई गई है अकाउंटेंसी में, और किस तरीके से आप बेटर कर सकते हो सब कुछ आपको यहाँ पर मिलने वाला है। तो फिर आगे बढ़ें उससे पहले चैनल अभी अपडेट पर अगर फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल अभी अपडेट फॉर सीयूटी को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करिएगा, साथ साथ बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा और इस इम्पॉर्टेंट वीडियो को सभी कैंडिडेट के पास शेयर कर दीजिएगा, जैसे सभी कैंडिडेट इसका हेल्प ले पाए। और जिन भी कैंडिडेट की ड्रीम हो 80 out of 80 आपके अकाउंटेंसी में, वो सक्सेस हो पाए। उसके सक्सेस करने के लिए आप सभी को सिर्फ क्या करना होगा, क्योंकि आप सभी को प्रॉपर तरीके से आप सभी ने देख लेना होगा हमारी टीम आप सबको लगातार चैप्टर वाइज MCQs और साथ साथ आप सभी के लिए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट सैम्पल पेपर्स हैं, और साथ साथ सैम्पल पेपर के प्रैक्टिस ही नहीं, हमारी टीम आप सभी के लिए टेलीग्राम चैनल जो हमारा अभी अपडेट है अभी तक फॉर सीयूटी, अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया टेलीग्राम ग्रुप को तो जल्द से जल्दी ज्वाइन कर लीजिएगा। अभी अपडेट फॉर सीयूटी, उसको उस पर हम लोग रेगुलरली आप सभी के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस सैम्पल पेपर के फॉर्म में आप सभी को सेंड कर रहे हैं। आप सभी अटेम्प्ट कर रहे हो, जिन भी कैंडिडेट ने अभी तक अटेम्प्ट किया है और जिन भी कैंडिडेट ने अभी तक हम टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन किया है, उन सबको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है। तो आई होप सो आप सभी जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम ग्रुप को। तो चलिए फिर मूव ऑन करते हैं, देख लेते हैं टॉपर आंसर्स कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं अपने अकाउंटेंसी के पेपर में। तो आप देख सकते हो जो भी क्वेश्चन, देखिए आपको जो क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पुटअप किए जाएंगे 3 marks वाले हों या फिर आपके लॉन्ग आंसर्स हों, आप सभी को इस बात का ध्यान रखना है कि कोई भी क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पुटअप हो, आप सभी जब अगर आपको जनरल एंट्री पास करने की, पहली बात तो ध्यान रखिए जब भी जनरल एंट्री पास करने के लिए आएगा तो आप सिर्फ यूज़ करोगे पेंसिल का। किसका यूज़ करोगे? पेंसिल का यूज़ करना है माय डियर फ्रेंड। किसके लिए? आप सबको जो पूरा जो फॉर्मेट होता है जनरल एंट्री का हो गया, या फिर आपको बैलेंस शीट बनाने के लिए आ जाए, या फिर आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट में आपको पूरे आपका बॉक्स फॉर्मेट बनाने के लिए आ जाए, तो जो भी आप बनाओगे वो आप पेंसिल का यूज़ करना है। किसके लिए? हमें फॉर्मेट को बनाने के लिए, फॉर्मेट बनाने के लिए किसका यूज़ करना है? पेंसिल का। इस बात का ध्यान रखिएगा माय डियर फ्रेंड। और साथ साथ यूज़ करेंगे स्केल का, नीट जैसे लगे, नीट एंड क्लीन आपको बॉक्सेस बनाने होंगे, नीट क्लियर आपको यहाँ पे बॉक्सेस बनाने होंगे, ठीक है फ्रेंड, प्रॉपर तरीके से। और साथ साथ यूज़ करना होगा स्केल का फ्रेंड, ये बहुत सारी चीज़ें कॉमन है, बट आप अगर आप इसका यूज़ करते हो तो आपका जो कॉपी का इम्पैक्ट जो पड़ेगा एग्जामिनर के सामने वो अच्छा होगा। और साथ साथ जो भी क्वेश्चंस आपको पूछे जाए डायरेक्टली आप उसी चीज़ को शो करिएगा जैसे। और साथ साथ आप सभी अगर कोई जनरल एंट्री पास करने के लिए आए तो नरेशन बहुत सारे स्टूडेंट्स मिस कर देते हैं, तो आप सभी को नरेशंस को मिस नहीं करना है, तो इस बात का नरेशंस को उसके नीचे आपको लिखना मस्ट है। देख सकते हैं यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट के बारे में कैंडिडेट को क्वेश्चन में पूछा गया था, तो कैंडिडेट देखिए प्रॉपर फॉर्मेट का यूज़ किया गया है देखिए कैंडिडेट के द्वारा, और पर्टिकुलर्स LF हो गया आपका, और डेबिट रुपये हो गया, रुपी हो गया, क्रेडिट रुपीस हो गया, और प्रॉपर तरीके से रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू आपका देख सकते हैं फिर यहाँ पे सीज कैपिटल अकाउंट करके यहाँ पे लिखा गया है। और यहाँ पे देखिए नरेशंस का भी यूज़ करना है, बहुत सारे स्टूडेंट्स नरेशन नहीं शो करते तो आपके मार्क्स डिडक्ट भी किए जा सकते हैं, तो आप सभी को प्रॉपर तरीके से नरेशन का यूज़ करना। आप देख सकते हो मैंने प्रॉपर तरीके से आप शो को मैं करा रहा हूँ माय डियर फ्रेंड, आप अगर ऐसे कर दो तो डेफिनेटली आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। देखिए अब मैं आपको दिखाता हूँ बैलेंस शीट,
का अगर आपको बनाने के लिए आए तो बैलेंस शीट का भी प्रॉपर फॉर्मेट आप सभी एक बार बुक से थॉरली देख लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड, आप देख सकते हैं यहाँ पे पर्टिकुलर आपको देख सकते, पर्टिकुलर आपका हो गया, आपका इक्विटी एंड लेबलिटीज़ आप देखिए ऊपर लिखा गया साफ साफ यहाँ पे, इक्विटी लेबलिटीज़ वाला हो गया, साथ साथ आपका जो नेक्स्ट बुक आपका नोट्स ऑफ अकाउंट वाला हो गया आप सभी का। तो प्रॉपर फॉर्मेट का यूज़ किया गया, आप सभी इसी तरीके से अगर आप यूज़ करते हो तो डेफिनेटली आपको फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स आपको एग्जामिनर देकर जाएंगे। देखिए बैलेंस शीट बनाना बहुत ही सिंपल है, बट आपको प्रॉपर फॉर्मेट के साथ आपको सारे फॉर्मेट लर्न होने चाहिए, प्रॉपर तरीके से आप इसको बनाइएगा तो डेफिनेटली आपको फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स एग्जामिनर के द्वारा आपको दिए जाएंगे। साथ साथ अगर आपके पार्टनरशिप वाले क्वेश्चन हैं या फिर शेयर्स वाले क्वेश्चन हैं तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा प्रॉपर तरीके से। यहाँ पे देखिए बहुत सारे कैंडिडेट क्या करते हैं कि वो डायरेक्टली जो है क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर देते हैं, सी इज दिस एंड बी शेयर दिस एंड देन सॉल्व इट। बट आपको यूज़ क्या करना है, प्रॉपर फार्मूला लिखना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स फार्मूला को नहीं लिखते हैं, तो आपसे भी देखिए न्यू शेयर निकालने के लिए क्या होता है, ओल्ड शेयर माइनस सेक्रीफाइस शेयर करके आप सॉल्व करेंगे। तो इस तरीके से अगर आप करते हो तो डेफिनेटली आपको एग्जामिनर फुल मार्क्स देंगे आपके क्वेश्चन में। तो देखिए फार्मूला का लिखना बिल्कुल मस्ट है क्योंकि अकाउंटेंसी का पेपर है माइडिया, और आप जब आप रेशियोसेस का जो चैप्टर पढ़ो या फिर आप अगर आप बात करें पार्टनरशिप वाले क्वेश्चंस का सेक्रीफाइंग रेशियोज वाले निकालो, आपको फॉर्मूला लिखना, एक लाइन को तो फॉर्मूला है माइडिया। बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको मिस कर देते हैं, आपको मिस नहीं करना है, ये फॉर्मूले आपको लिखने मस्ट होंगे आप सभी के लिए। देखिए कितने भी आपको प्रॉफिट शेयरिंग वाले क्वेश्चंस आएंगे आप सभी उसमें फॉर्मूला लिखिएगा कि किस क्या ए का शेयर है बी का शेयर से, और न्यू रेशियो निकालने के अपने क्या फॉर्मूले का यूज़ किया है। प्रॉपर तरीके से आप लिखते हो तो डेफिनेटली आपको फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स एग्जामिनर आपको क्वेश्चन में देकर जाएंगे जितने मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे उसके अकॉर्डिंग। ठीक है हमारे फ्रेंड, देख सकते हैं कैंडिडेट के लिए जनरल एंट्री पास करना था तो प्रॉपर तरीके से कैंडिडेट ने यहाँ पे डेट लिखा, डेट का कॉलम, पर्टिकुलर्स का कॉलम, एलएफ का, डेबिट साइड का, क्रेडिट साइड का, प्रॉपर फॉर्मेट का यूज़ करना है, और साथ साथ और यूज़ करना है स्केल का, विदाउट स्केल आपको किसी भी चीज़ का यूज़ नहीं करना हमारे फ्रेंड। अपने सेल्फली पेंसिल से या फिर पेन से आपको ड्रॉ नहीं करनी है लाइन, सिर्फ यूज़ करनी है पेंसिल का और साथ साथ आपको स्केल का। देन आप अगर ड्रॉ करते हो आपका प्रॉपर फॉर्मेट तो देन आपको आउटलुकिंग जो होगा आपके क्वेश्चंस का वो भी बहुत ही इम्प्रेसिव होगा आपके आंसर शीट का। तो आपको इस तरीके से शो करना है। देखिए अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ नेक्स्ट आपको, और देखिए जो आंसर आप जो निकालो क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद, ये देखिए एग्जाम जो कैंडिडेट है यहाँ पे, इस कैंडिडेट ने जो टॉपर से आप कॉपी देख रहे हो यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ, जो भी अमाउंट आया उसको कैंडिडेट ने यहाँ पे प्रॉपर एक तरीके से बॉक्स बनाकर यहाँ पे शो किया है। तो आप भी अगर ऐसे शो करते हो तो आपका भी इम्प्रेशन भी बनेगा, साथ साथ एग्जामिनर को डायरेक्टली फोकस जो होना चाहिए आंसर्स के ऊपर, तो एग्जामिनर जो है मे बी क्वेश्चंस को आपको देखेंगे कि प्रॉपर फॉर्मेट आपने बनाया है और साथ साथ कैंडिडेट ने आंसर्स निकाले हैं एग्जैक्टली करेक्ट है, तो आपको फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स एग्जामिनर दे सकता है। तो इस तरीके से आपका यूज़ करना, और साथ साथ इस बात का ध्यान रखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट पेज से करिएगा, उसी पेज में अपने आंसर्स को लिखने की शुरुआत नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखना है बाड़े फ्रेंड। बहुत सारे कैंडिडेट्स क्या करते हैं कि अगर क्वेश्चंस का कंप्लीट हो सकता है आप सभी क्या करिएगा नेक्स्ट पेज में नेक्स्ट क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की स्टार्टिंग करिएगा, पर ये प्रॉपर वे होना चाहिए तभी आपको फुल ऑफ फुल मार्क्स आपके एग्जामिनर देंगे। ठीक है बाड़े फ्रेंड, तो ये प्रॉपर फॉर्मेट होता है। देखिए कोई भी क्वेश्चन होगा आपको नेक्स्ट पेज, आपकी पेज अगर लेफ्ट भी हो जाए तो आप सभी को क्या करना है नेक्स्ट पेज से करना है। और मे बी हाँ एक बात और, किसी भी कैंडिडेट का कोई क्वेश्चन अगर आप अटेम्प्ट कर रहे हो और किसी तरीके से आपकी कोई मिस्टेक हो गया तो आपको क्या करना है, आपको बहुत सारे कैंडिडेट क्या करते हैं उसको पूरी तरीके से रॉन्ग कट कर देते हैं, तो आपको क्या करना है रॉन्ग कट नहीं करना है माय डियर फ्रेंड। अगर आपने कोई मिस्टेक कर दिया है अगर आप उसको क्या करिए सिंपली उसको आप देखिए दो ड्रॉ क्रॉस लगा दिया, इसका मतलब कि आपका ये क्वेश्चन क्या है क्या एग्जामिनर इसको चेक नहीं करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं इसको एक तरीके से बहुत ही बैड इंप्रेशन पड़ता है आपकी कॉपी पे, तो आपको क्या करना है सिंपली आपको प्रॉपर जो पेज था उसको ऐसे कट मार्क कर देना है, देन एग्जाम इसको मूव ऑन कर देंगे। ओके माय फ्रेंड, तो आपको भी इसी तरीके से यूज़ करना है तो देन डेफिनेटली आपको, और साथ साथ कोई भी आपको जनरल एंट्री पास करनी हो
या फिर कोई भी अकाउंट हो, आपको उसके नीचे वर्किंग नोट बनाना भी मस्ट है। देखिए वर्किंग नोट भी आपको, अगर क्वेश्चन, अगर आप कोई भी आप अटेम्प्ट करो, कैश फ्लो स्टेटमेंट वाला हो क्वेश्चन हो, या फिर कोई भी क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट कर रहे हो, आपको उसी के जस्ट नीचे वर्किंग नोट्स आपके बनाने इम्पॉर्टेंट है आपको। वर्किंग नोट से क्या होता है, एग्जामिनर अगर आप आप लिख रहे हो, एंट्री पास कर रहे हो, वहाँ पे अगर आपको एग्जामिनर को डाउट होता है कि आपने ये एंट्री लाई कहाँ से, और वो एग्जामिनर आपकी वर्किंग नोट को डायरेक्टली देखेंगे और वहाँ से आपको फाइंड आउट कर लेंगे कि आपने क्या मिस्टेक किया है। आप सभी को ये भी मालूम है स्टेप मार्किंग होती है सीबीएसई में, तो मे बी आपकी कुछ स्टेप्स की वजह से एग्जामिनर आपको फुल मार्क्स दे दें, मे बी आपके मार्क्स जो डिडक्ट हो रहे हों वहाँ पे आप उस डिडक्शन से बच सकते हो। तो इस बात का ध्यान रखिएगा माय डियर कि आपको वर्किंग नोट शो करना इम्पॉर्टेंट है। वर्किंग नोट से अब मैंने बता ही दिया क्या इसके फ़ायदे हैं, आपको बना के रखने होंगे आपके क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए, ठीक है माय डियर फ्रेंड। तो इस तरीके से अगर आप अटेम्प्ट करते हो तो डेफिनेटली आपको हेल्प होगी आपके एग्जामिनेशन में अच्छे से मार्क्स आपको लाने के लिए। देखिए रियलाइजेशन अकाउंट हो या फिर कोई भी अकाउंट अगर आप पास करते हो, तो आप पहले प्रॉपर फॉर्मेट को लर्न करिएगा, क्योंकि एग्जामिनेशन में देखिए दो तीन आपके जो फॉर्मेट है, आपके बैलेंस शीट वाला फॉर्मेट हो, साथ साथ आप सभी का कैश फ्लो स्टेटमेंट वाला फॉर्मेट हो, फाइनल अकाउंट वाला हो, और साथ साथ रियलाइजेशन अकाउंट वाला आपका फॉर्मेट हो, प्रॉपर फॉर्मेट को लर्न करके जाना है, क्योंकि ये सारे फॉर्मेट ऐसे हैं कि किसी ना किसी तरीके से आपके एग्जामिनेशन में अकाउंटेंसी के क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे। तो आपको क्या करना है, उससे पहले आपको इस प्रॉपर फॉर्मेट को, जो मैंने फॉर्मेट के नेम्स बताया, रियलाइजेशन अकाउंट हो गया, कैश फ्लो स्टेटमेंट वाला आपके फॉर्मेट हो गया, साथ साथ बैलेंस शीट वाला हो गया, और भी बहुत सारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आप एक बार देख लीजिए, रियलाइजेशन अकाउंट देख लीजिए। तो ये सारी चीज़ें अगर आप एक बार गो थ्रू करोगे इनके प्रॉपर फॉर्मेट को, तो डेफिनेटली आपको हेल्प होगी आपकी एग्जामिनेशन में। आपको कोई भी एंट्री जब आप पास करोगे तो एंट्री में किसी तरीके की आपकी मिस्टेक ना हो। और बातें क्या ध्यान रखनी है आपको एग्जामिनेशन में, पहले मैंने आपको सभी चीज़ें दिखा दिया है कि एग्जामिनर जो है आप सभी को किस किस पॉइंट पे मार्क्स दे देंगे। तो आई होप सो सारी चीज़ों को आपने ध्यान से समझ लिया होगा, और कल के एग्जामिनेशन जो आप सभी का जो नेक्स्ट अकाउंटेंसी के एग्जामिनेशन जो होने जा रहा है कॉमर्स स्ट्रीम का, उस एग्जामिनेशन में डेफिनेटली आप अच्छे मार्क्स लेकर आओगे। और साथ साथ आप सभी ने, मैंने जैसे कि बताया आप सभी के लिए, हमारी टीम आप सभी के लिए, सभी कैंडिडेट्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट सैम्पल पेपर की प्रैक्टिस करा रही है। जिन भी कैंडिडेट अभी तक सैम्पल पेपर की प्रैक्टिस नहीं की है, हमारे चैनल अभी अपडेट पे आप जाकर चेक कर सकते हो। साथ साथ जिन भी कैंडिडेट अभी तक टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है, जल्द से जल्दी टेलीग्राम चैनल को, टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका नेम मैं आप सभी कैंडिडेट को बता देता हूँ। हमारे फ्रेंड, हमारे टेलीग्राम ग्रुप का जो नेम है वो है आपका अभी अपडेट फॉर CUT, ठीक है फ्रेंड। इसको आप जल्दी से ज्वाइन करें टेलीग्राम ग्रुप को। साथ साथ आप सभी कैंडिडेट को मैं बता देता हूँ कि आप सभी इस बात का भी ध्यान रखेंगे कि आप सभी के लिए हमारी टीम CUT की भी बेस्ट प्रिपरेशन करा रही है। बहुत सारे कैंडिडेट CUT के एग्जामिनेशन में भी अपियर होने वाले हैं। जैसे बोर्ड की एग्जामिनेशन एंड होंगे, आप सभी के मई मंथ में आप सभी के CUT के एग्जामिनेशन हेल्ड होने वाले हैं। आई होप सो सभी कैंडिडेट, जिन भी कैंडिडेट्स जो CBSE बोर्ड के एग्जामिनेशन को अपियर कर रहे हैं, वो सभी कैंडिडेट CUT के एग्जामिनेशन 2023 में अपियर होने जा रहे हैं। तो आप सभी कैंडिडेट के लिए CUT की बेस्ट प्रिपरेशन हमारी टीम करा रही है। जिन भी कैंडिडेट को इंटरेस्टेड है हमारे क्लासेस को ज्वाइन करने के लिए, आप इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो माई डिफेंस। और साथ साथ आप सभी अकाउंटेंसी के पेपर से पहले कोई भी अगर आपको डाउट हो, ये सारे डाउट्स क्लियर किए जाएंगे आपके पेपर के रिगार्डिंग अकाउंटेंसी के लिए। आपको यहाँ पे जस्ट एक बार एक ड्रॉप करना है अपना मैसेज, तो हमारी टीम आपसे कांटेक्ट कर लेगी, आपकी CUT की प्रिपरेशन हो या फिर आप सभी के लिए अकाउंटेंसी में अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो। ओके माय डियर फ्रेंड, इस छोटी सी वीडियो को सभी कैंडिडेट के पास शेयर कर दिएगा। अगर आप इन सारे की पॉइंट्स को अगर आप फॉलो करते हो,
अकाउंटेंसी के पेपर में, तो डेफिनेटली आप सभी देखिए कैंडिडेट वर्किंग नोट को नहीं छोड़ रहे हैं, आपको भी वर्किंग नोट को छोड़ना नहीं है अगर आपको फुल मार्क्स चाहिए। तो आप सभी इन बातों को ध्यान रखेंगे जो भी मैंने पॉइंट्स यहाँ पे बताए हैं आज के अकाउंटेंसी के पेपर के रिगार्डिंग। देखिए कैपिटल एडजस्टमेंट आपको बनाना हो, प्रॉपर फॉर्मेट अगर आप बनाते हो, प्रॉपर तरीके से लिखते हो, मेंशन करते हो सभी चीज़ों को, तो डेफिनेटली आपको फुल मार्क्स एग्जामिनर के द्वारा दिए जाएंगे। तो फिर इस वीडियो को मैं यहीं पेंड करता हूँ, मैंने आपको जो भी इंपॉर्टेंट हो सकता है अकाउंटेंसी पेपर के रिगार्डिंग मैंने सभी चीज़ें बता दिया है। टॉपर्स कैसे लिखते हैं, क्या प्रॉपर फॉर्मेट है बनाने का, इस बात को भी मैंने डिस्कस कर लिया है। और साथ साथ लास्ट बट नॉट लीस्ट पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इस बात का बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से ध्यान रखिएगा। पहले आप सभी को लॉन्ग आंसर्स को अटेम्प्ट करने, लॉन्ग क्वेश्चंस जो होंगे आप सभी को, यानी कि जो मार्क्स जो है लॉन्ग वाले होंगे उसको अटेम्प्ट पहले करिएगा, कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को रिग्रेट हो जाता है कि अकाउंटेंसी में हम लोगों ने लॉन्ग आंसर्स को छोड़ दिया, स्किप हो गया किसी वजह से। तो आप सभी इसको स्किप ना करो, प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट करके जाइएगा, क्योंकि आप सभी का अकाउंटेंसी का पेपर है, लेंथी पेपर तो होना ये तो जाहिर सी बात है। तो इस बात को ध्यान रखते हुए पहले लॉन्ग क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिएगा माय डियर फ्रेंड, जिन भी कैंडिडेट को इम्पॉर्टेंट है आपके, आप चाहते हो कि अगर फुल आउट ऑफ फुल 80 out of 80 आप चाहते हो, तो पहले आपको लॉन्ग क्वेश्चन से अटेम्प्ट करना स्टार्ट करना चाहिए। ये मेरा व्यू है, आप अपने व्यू के अकॉर्डिंग आप अपने मैनेजमेंट करके देखिएगा, एग्जामिनेशन में डेफिनेटली आप सभी को हेल्प होगी। फ्रेंड मैं वीडियो कहीं पर एंड करता हूँ, आपको कोई अगर आपको डाउट हो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दिएगा हमारे फ्रेंड, और साथ साथ सैम्पल पेपर की प्रैक्टिस करिए। सैम्पल पेपर आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप जो है अभी अपडेट फॉर सीयूटी उसको ज्वाइन करिए, वहाँ पर आपको सैम्पल पेपर हमारी टीम प्रोवाइड करा रही है। और मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ कुछ और भी इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।